बहुत बहुत हालत मेरी अभी खराब है, मैं ऐसे बचूंगी नहीं ज्यादा दिन। मतलब मुझे डर है कि बेबी को कुछ ना हो जाए, मेरा तो चलो कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, बट अगर मैं हेल्दी नहीं रही तो बेबी कैसे हेल्दी रहेगी। हे माय ब्यूटीफुल हनीबीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन। पता है गाइस, एक महीने से भी ज़्यादा टाइम तक मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है आप लोगों को हेल्थ लेके, कुछ भी लेके, एंड कोई वीडियो भी मैंने नहीं अपलोड किया है। बट मेरी हालत ही इतना ज़्यादा ख़राब है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, पूरा बेड पे ही मेरी एक डेढ़ महीना ऐसे ही गुजर गया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज थोड़ी सी हालत पे सुधार आई, इसीलिए कुछ टेस्ट कराने थे, इसीलिए सुबह सुबह मैंने इनको बुला लिया ब्लड लेने के लिए। फ़िलहाल तो मैं मायके आई हुई हूँ। मेरी हेल्थ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, स्किन की हालत तो छोड़ ही दो, हेयर लास्ट मैंने कब कॉम्ब किया था यही मुझे याद नहीं है। तो आज खुद को थोड़ा सा इंसान बनाना है, क्योंकि आज बाहर जाऊँगी, डॉक्टर के पास जाऊँगी, ऐसे भयंकर हालत में तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो चलो थोड़ा सा अपने आप को सुधार लेते हैं। और गाइस, मेरी फेस की हालत देखो आप लोग, और ऊपर से ना आजकल कितना ज्यादा गर्मी है, एंड गर्मी में पसीना तो है ही, ऊपर से स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली हो गई है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत ही जल्द फेस में एकदम पिंपल्स भर जाएंगे। वैसे एक वक्त था जब मेरी मम्मी ना मुल्तानी मिट्टी के साथ रोज वाटर वगैरह काफी कुछ मतलब मिक्स्ड करके एक होम रेमेडी तैयार करके देती थी, उसको मैं अप्लाई करती थी। बट आजकल हम सबकी लाइफ इतना ज्यादा बिजी हो गई है, हमारे पास ये सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो गाइस, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मामा अर्थ ने लॉन्च किया है उनका मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश एंड मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। इसमें है मुल्तानी मिट्टी एंड बुल्गेरियन रोज। ये ऑयल एंड एक्ने को कंट्रोल करके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड एक स्मूथ एंड ब्राइट स्किन देता है। वैसे ये नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है, इसके लिए आप इसको डेली यूज कर सकते हो। वैसे आप सबको तो पता ही है कि मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है, एंड इनके सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल, टॉक्सिन एंड पैराबेंस फ्री है, ऑल नेचुरल। वैसे सिर्फ फेस वॉश अप्लाई करना काफी नहीं है, अगर आपको एक परफेक्ट ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन चाहिए तो वीक में एटलीस्ट एक दिन आपको एक अच्छा वाला फेस मास्क अप्लाई करना ही चाहिए। तो आप चाहे तो मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा। अब आप सबको तो पता ही है कि मामा अर्थ हैज अ प्लान गुडनेस इनिशिएटिव, विच मींस जब भी आप मामा अर्थ से कुछ बाय करते हो ना, वो लोग आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं ट्री के साथ, जिसको वो लोग प्लान करते हैं। एंड बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। वैसे मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स ना अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो की है AFR2023, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेंगे। एंड आजकल ना मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपके नियरेस्ट स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग डायरेक्टली वहीं से बाय कर सकते हैं। तो गाइस, फाइनली आ गई हूँ डॉक्टर के पास। आज मुझे USG का रिपोर्ट मिलेंगे, डॉक्टर के पास भी वो रिपोर्ट दिखाना है। मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि बेबी का आज फर्स्ट लुक मैं देखूँगी। पता है कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी बेबी बहुत छोटा है, बट फिर भी मतलब कुछ तो दिखेगा, शांति सब मिल जाएंगे अंदर से। तो पहले ये लोग प्रेशर, फिर वेट वगैरह चेक करते हैं, फिर उसके बाद जाऊँगे अंदर। पता नहीं डॉक्टर क्या बताएंगे, डरी हुई हूँ काफ़ी कि रिपोर्ट पता नहीं ठीक है अभी या नहीं, तो घर जाके आपको अपडेट देती हूँ। तो गाइस, सुबह के टाइम पे तो गए थे डॉक्टर के पास, फिर वापस आए, आके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि आप लोगों के साथ ही रिपोर्ट शेयर करना था। क्या रिपोर्ट है ये? USG का रिपोर्ट है। USG का रिपोर्ट है हम लोगों का फर्स्ट USG का रिपोर्ट। बहुत मतलब इसके लिए हम लोग बहुत काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, तो फाइनली मिल तो गई, बट बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम है। मतलब इतना टेंशन में पड़ गए, क्या बताऊँ, डॉक्टर ने जो जो चीज़ें कहा वो सुन के मतलब घर के सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गए, मैं भी खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गई कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और क्यों, और ऐसा मतलब कब तक चलेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गए हम सब लोग कि ऐसा मतलब क्या बताऊँ। क्या हुआ ना गाइस, एक्चुअली हम लोग एक लेडी डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं हम लोगों के, मतलब यहाँ पे उनका मतलब रिप्यूटेशन बहुत अच्छा है। बहुत एक्सपीरियंस एक डॉक्टर है, एंड उनके पास हम लोग शुरू से ही उनके पास दिखा रहे थे।
तो बीच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बट मतलब कुछ ही दिनों के अंदर मेरी जो वेट है वो 5-6 kg कम हो गया। मेरी हालत आप लोग देख सकते हो आँखों के नीचे, ये ऐसा हो गया वेट मेरा इतना, मतलब सेकेंड टाइम जो डॉक्टर के पास जाके मैंने जब अपना वेट चेक करा ना, मैं मतलब आसमान से गिर गई। मैं भी शॉक हो गया कि भाई ये कैसे हुआ। हां ये वेट मेरा कम हो गया इतना सडन पीरियड में, इतना कम टाइम में ऐसा हो जाएगा। फिर आप देखो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट जो है वो काफी घट जाता है, 3 महीने के बाद से सब कुछ सही होता है, बट मेरा वेट मतलब गिर रहा है बार बार। मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मैं मतलब दिन में 5-6-7 बार मैं उल्टियाँ कर रही हूँ। और तो उल्टी करने के बाद तुम्हारा जो हालत हो रहा है ना, वो मेरे से तीखा नहीं जा रहा है किसी से भी नहीं। मैं मायके आ गई, क्योंकि अभी देखिए घर पे तो कोई इतना रहता नहीं है, ये ऑफिस चले जाते हैं। सासू माँ की भी तबीयत खराब रहती है, सासू माँ ने बहुत देखा, मैं जितना दिन थी ना वहाँ पे बहुत केयर करती थी मेरी, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे आ जाती हूँ, चलो अच्छा है, इसीलिए हम लोग एक्टिव भी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब मेरा करियर तो पूरा खत्म हो गया, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट्स आके पूरा जम गया है, पहाड़ बन गया है घर पे, कुछ भी ब्रांड का काम नहीं कर पा रहे हम लोग, लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरी हालत, मतलब एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं बचूंगी नहीं, कोई चांसेस नहीं है, मतलब मैं आज खत्म पूरा। और ये देखने के बाद तो मेरा हालत और भी खराब हो जा रहा है। मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर हमको बोल रहा है कि इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर के बात थोड़ा सा मैं बता, लेकिन जो फेस कर रहे हैं उसके लिए तो ये डरावना चाहिए। क्या कहा मैंने जब उनको कहा कि आपने जो उल्टी के लिए जो मेडिसिन देते हैं, तो उल्टी के लिए जो मेडिसिन आपने मुझे दिया वो काम नहीं आ रहा है, मैं बार बार मैं खाने से पहले मैं उल्टी कर रही हूँ, खाने के बाद मैं उल्टी कर रही हूँ, एक इंसान कितना उल्टी करेंगे भाई, 4-5-6-7 बार मैं उल्टी कर रही हूँ, समझ आता है इस सिचुएशन में होता है। डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है एकदम, आप उल्टियाँ करो ये बहुत ही, हाँ पता है नॉर्मल सी बात है, बट जब वो एक उल्टी के लिए मेडिसिन जब लोग लेते हैं तो भाई वो तो कुछ तो काम करेगा ना, तो चेंज करके दूसरा मेडिसिन दे सकती हो। मैंने वही कहा डॉक्टर को कि आप थोड़ा सा मुझे ना उल्टी का जो आपने मेडिसिन मुझे दिया वो आप थोड़ा सा चेंज कर दो, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं यही मेडिसिन रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग, यही आपको खाना है, यही आपको करने हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा है बस इसी से आपको काम चलाना है, और कुछ चेंजेस करने वाली है कुछ चेंजेस नहीं है, आप शायद डिलीवरी तक आप ऐसे ही उल्टी करते रहोगे, आपका वेट शायद ऐसा ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मतलब एक डॉक्टर जो हमसे इतना ज्यादा फीस ले रहे हैं, जो हमसे मतलब एक अच्छा डॉक्टर, बट वो मतलब ऐसे बात कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से कोई सरकारी हॉस्पिटल पे अगर हम लोग दिखाते हैं, और तो बात भी नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब कुछ भी बात नहीं कर रहे। मेरा USG होने के बाद मेरा जो बेबी का जो हार्ट बीट है वो जो मतलब सुनाई देते हैं हम लोगों को, वो हार्ट बीट थोड़ा सा धक 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 करके आवाज आती है, डॉक्टर ने मुझे कहा तक नहीं कि ये आपका बेबी का हार्ट बीट है। मतलब डॉक्टर ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि मैं हर रोज बेबी पैदा करती हूं, एंड शी नोस कि ये हम लोग का फर्स्ट बेबी है। हाँ तो कोई भी मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, डॉक्टर दिखा नहीं कुछ रहे हैं मुझे, कुछ बता नहीं रहे, तो हम लोगों ने यही सोचा कि डॉक्टर हम लोग चेंज करें। Exactly. क्योंकि मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकती हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हुए हैं, इतना कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ऐसे ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वेट मेरा कम हो गया है, पूरा दिन मैं बेड में पड़ी रहती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे इतना दिन हो गया मैं ऐसे ही मतलब बेड पे पड़ी हूँ, सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसे मतलब ऐसे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मतलब ऐसा लग रहा है मैं और बचूंगी नहीं ज़्यादा दिन, बार बार मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं मर जाऊंगी, हर एक बार उल्टी करने के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब क्या बताऊँ, कुछ दिनों से ही कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट करने के 2-4 दिन के बाद से मेरा उल्टी स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों मेरे साथ बहुत फास्ट ये सब कुछ हो रहे हैं, और मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और मतलब और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आप लोग भी टेंशन में पड़ जाओगे, बहुत बहुत हालत मेरी अभी ख़राब है, मैं ऐसे बचूंगी नहीं ज़्यादा दिन,
मतलब मुझे डर है कि बेबी को कुछ ना हो जाए, मेरा तो चलो कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, बट अगर मैं हेल्दी नहीं रही तो बेबी कैसे हेल्दी रहेंगे। तो सही बात है। ये एक बहुत ही टेंशन वाली बात है। तो मेरा यूएसजी रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बस अच्छी बात यही है कि यूएसजी रिपोर्ट जो है ये मेरा मतलब अल्लाह के रहम से काफ़ी अच्छा आया है। बेबी का हार्ट बीट, मतलब बेबी अभी हेल्दी है, इसका अभी बहुत ही एज कम है ना, तो आप लोग थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ एंड आप लोग थोड़ा सा देख लो। ये रही मेरी छोटी सी बेबी, अभी ऐसा ही आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। हार्ट बीट भी इसका एकदम सही है एंड बस अल्लाह के रहम से सब कुछ सही है। यही अच्छी बात है मेरी लाइफ में कि बेबी सही है अभी। बट अगर ज़्यादा दिन मेरी हालत ऐसी रहे, क्योंकि अभी बेबी का ग्रो करने का टाइम आएगा, 3-4 मंथ्स के बाद वो बढ़ने लगेंगे, बट मेरी हालत अगर ऐसे ही रही ना, ऐसे ही मैं अगर उल्टी करती रही, कुछ खा नहीं पा रही हूँ, इतनों सा मैं चावल खा रही हूँ, इतनों सही वो भी तुमसे खाई नहीं जाए, हाँ, वो भी मैं उल्टी कर रही हूँ, खाने के बाद उल्टी हो जाए, हमेशा पेट लिटरली जल रहा है मेरा पेट भूख से, बट मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग डॉक्टर चेंज करेंगे। बहुत हुआ, पहले लगा था कि एक लेडी डॉक्टर के अंडर में दिखाएंगे और ये डॉक्टर इतना ज्यादा अच्छा है मैं क्या बताऊँ, बट मेरे लिए ये डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब लिटरली मैं इनके अंडर में अगर ज़्यादा दिन रही तो मैं मर जाऊँगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक इंसान को उल्टी करा के इनकी हाल, मतलब डॉक्टर मुझे ये बोल रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, तुम 5-7 बार उल्टी कर रही हो, लोगों को तो 18-19 बार लोग उल्टी करते हैं, ये कोई बात नहीं हो जाती है, बोल हाँ। मेरी भी हालत बिल्कुल वैसी ही, मतलब कुछ दिन पहले तक थी, आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, बट पता नहीं खाना खाऊंगी फिर मैं उल्टी करूंगी फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो बस यही बताना था, 1 महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मतलब वीडियो डालने की तरह हालत मेरी बिल्कुल भी नहीं है। तो आई एम सॉरी मैंने कोई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बस यही बोलना था आप लोगों के साथ। एंड कल हम लोग जाएंगे एक न्यू डॉक्टर के पास, वो काफ़ी अच्छा एक डॉक्टर है एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए एंड आप लोग प्लीज़ दुआ करना।